ऑल में आज मैं आपसे कुछ अपने फेलियर्स के बारे में भी बात करूंगी और उनके बाद में जो होप होती है उसके बारे में भी बात करूंगी। आज मैं अपने फेलियर की जो बात कर रही हूँ वो किस तरह की फेलियर्स हैं मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आज से 1-1.5 महीने पहले जितने भी प्लांट्स लगा रखे थे और वो बहुत अच्छे सर्वाइव किए जा चुके थे, उन सब के साथ में क्या हाल हुआ वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, आप यहाँ पे मैंने एक ये स्वीट पोटैटो वाइन लगा रखी थी और ये मधुमालती का पौधा मैंने लगाया था जो अब इस तरह का हो गया है जिसमें कोई पत्तियाँ नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं, मतलब कुछ एक स्वीट पोटैटो वाइन में आपको कुछ पत्तियाँ तो नज़र आएंगी बट मधुमालती में कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। और इवन ये अब कुछ हद तक तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन आज से 10 दिन पहले फ्रेंड्स कुछ भी नहीं था इनके अंदर। स्वीट पोटैटो वाइन ज़रूर थोड़ी सर्वाइव कर रही थी। फ्रेंड्स और भी पौधे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें बहुत ही अच्छे, ये जो गुलाब का पौधा है इसमें बहुत ही अच्छे फूल आ रहे थे, ये सब मुरझा गए हैं। कुछ कुछ अब वापस सर्वाइव करने की शुरुआत कर रहे हैं, कुछ सर्वाइव कर रहे हैं। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये चमेली का मेरा पौधा, मेरे कुछ जो वीडियोस हैं आप पहले देखेंगे उनमें ये चमेली का पौधा कितना अच्छा हुआ करता था और ये कितना बड़ा हो सकता था। ये मैंने यहाँ पे इसकी ये शाखाएं काटी। अब ये देखिए, ये प्लांट पूरा जल चुका है, पूरा मर चुका है। ये देखिए, ये नाम भी याद नहीं आ रहे फ्रेंड्स, उसके भी रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि मुझे जल्दी से जो पिक नेम याद नहीं हो पा रहे हैं उसका रीज़न क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जूही की बेल है जो भी ऑलमोस्ट सूख गई थी, और ये रातरानी है ये भी ऑलमोस्ट सूख गई थी जिसके अब कुछ पत्ते आ रहे हैं। और आप यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है हार श्रृंगार का भी हाल देखिए बहुत ही बुरा हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं ये जो बात कर रही हूँ ये किस लिए हुआ ये सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप सोच रहे होंगे मैंने अपने फेलियर को क्यों दिखा रही हूँ मैं, और कोई भी अपना फेलियर क्यों दिखाएगा, क्योंकि फेलियर को दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। हम अपनी सक्सेस तो सबको दिखाते हैं लेकिन फेलियर दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है कि उससे हम कुछ सबक लें कुछ। लेकिन कुछ फेलियर्स हमारी मजबूरी के कारण भी होते हैं, तो वही मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, आज से लगभग 1 महीने पहले मेरी मदर को सीवियर कोरोना पॉजिटिव हो गई। तो फ्रेंड्स मैं कह रही थी, आज से 1 महीने पहले मेरी मदर सीवियर कोरोना पॉजिटिव हो गई और उनकी हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उस दौरान मतलब डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिए थे और उस दौरान मम्मी को हॉस्पिटलाइज किया गया। तो हमें फिर इमीडिएट ही इलाज के लिए, क्योंकि जहां हम रहते हैं वहां डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब ही दे दिया था कि नहीं बचेंगी, तो हमें फिर उन्हें जयपुर ले जाना पड़ा। और जयपुर ले जाने के कारण फिर हम लगभग 1.5 महीने वहां रहे। तो उस कारण सारा कुछ फिर यहां से सारा हम मूव ऑन हुए और यहाँ कोई नहीं था। और इन प्लांट्स की देखभाल के लिए अचानक इमीडिएट एक्शन के कारण मैं किसी को कह नहीं सकी। हाँ, लास्ट डे जिस दिन हमें जाना था उससे 1 दिन पहले, तब एक दिन में जब घर आई थी तो मैंने इनको सबको पानी वानी दिया था, पौधों में पानी डाला था। और उसके बाद मैं ये नहीं कर पाई क्योंकि उसके बाद अगले दिन हमें डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब ही दे दिया, तो हमें जयपुर जाना पड़ा। और यहाँ पे ये 1 महीने के लिए ये प्लांट सब ऐसे ही रह गए। अब 1 महीने देखिए फ्रेंड्स, अगर ज़मीन में लगे पौधे होते हैं तो वो किसी भी तरीके से सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन पॉट में लगे हुए पौधे किस तरह से सर्वाइव करेंगे आप ये समझ सकते हैं, वो कितने दिन तक कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा जहाँ कहते हैं ना होप ये थी कि ये कुछ मतलब सर्दियां शुरू हो गई, सब कुछ हो गया, तो इस कारण ये शायद बचने की इनमें एक उम्मीद थी वो रह गई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ।
उम्मीद देखिए फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी पत्तियां जो निकली है, मुझे इनके नाम तुरंत याद नहीं आ रहे हैं, ये मधुमालती की बेल है। और इसका कारण मैं बता रही हूँ कि मुझे नाम क्यों नहीं था तुरंत याद आ रहे, तो ये मधुमालती की जो बेल है उसमें भी छोटी छोटी ये जो कॉम्प्लेन निकल रही है पत्तियों की, आप देख सकते हैं ये भी अब शुरू हुई है, क्योंकि जब मैंने ये एकदम पूरी तरह जल गई थी। और आप सोच रहे होंगे कि उस टाइम मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया, उस टाइम मैं वीडियो बना करके ये नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि जो प्लांट लवर्स हैं वो ये चीज़ें नहीं देख पाएंगे। अभी भी अगर आप नहीं देख सकते मेरा ये वीडियो, अगर इस तरीके से आप नहीं देख पा रहे तो ज़रूर आप मेरे वीडियो को छोड़ के चले जाएँ, क्योंकि मैं भी आपको दुखी करना नहीं चाहती इस तरह से इनको यूँ दिखा के, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कभी कभी हमारे फेलियर्स भी इस तरह से होते हैं। और वहीं देखिए ये गुलदाउदी है जो कितनी अच्छी सी पनप गई, हालांकि ये और अच्छी हो सकती थी लेकिन अब मैं तो यहाँ थी नहीं, फिर भी इसने पता नहीं कैसे सर्वाइव कर लिया। तो अब ये कुछ कुछ तो अच्छे हो रहे हैं, लेकिन इनमें देखिए ये पत्तियाँ आ रही है, ये इसीलिए ही आ रही हैं कि मैंने इनमें फिर पानी वानी देना शुरू कर दिया। जब मैं आई यहाँ पर तो मैंने पानी देना शुरू कर दिया था और उसके बाद में ये पत्तियाँ आने लग गई है। तो ये भी एक होप कि आप अगर आपके फेलियर्स हैं तो आपको सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी। आप अपने फेलियर्स को फेलियर मत मानिए, सक्सेस का एक दूसरा रास्ता मानिए। अब ये मेरी मजबूरी थी कि मामा की तबीयत इस तरह से ख़राब हो गई तो मुझे जाना पड़ा। और कोविड कुछ ना कुछ मतलब मम्मी को किस तरह से लगा ये समझ में नहीं आ रहा। शायद मैं जाती हूँ, मैं अपने जॉब पे भी जाती हूँ, वहीं से या तो मुझे हुआ क्योंकि मुझे भी स्मेल आनी बंद हो गई थी, टेस्ट आना बंद हो गया था, तो 100% श्योर है कि मुझे भी कोविड हुआ था। अदरवाइज मैंने चेक करवाया था, मैंने रिपोर्ट भी करवाई थी अपनी, बट मेरी नेगेटिव आई थी रिपोर्ट और उसमें मुझे कोविड नहीं आया। बट कहीं ना कहीं मुझे कोविड था, क्योंकि कई बार रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है बट आप होते हैं पॉजिटिव, और मेरी रिपोर्ट नेगेटिव थी इसलिए मुझे पता नहीं चला। और मेरी मदर को मुझसे हो गया क्योंकि वो डायबिटिक हैं। इस पे कहावत भी है, देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, तो मैंने उसी को सोचते हुए इन प्लांट्स में पानी, जब मैं आई जयपुर से उसके बाद मैंने इनको धीरे धीरे संभालना शुरू किया। मम्मी भी रिकवर करने लग गई, अब मम्मी ठीक है तो मैंने इनको भी संभालना शुरू कर दिया। तो देखिए इनमें भी नई पत्तियाँ आने लग गई है, इनको वाटरिंग की है, इनमें थोड़ी और जो कंपोस्ट है वो सब डाली है ताकि ये फिर से सर्वाइव करें और अच्छे हो जाएँ। देखिए ये कितनी सूखी पत्तियाँ यहाँ रह गई थी, इनको सबको मैंने कट किया, बहुत सूखी पत्तियाँ हो गई थी। हो भी क्यों नहीं, एक महीने से पानी नहीं मिलना बहुत बड़ी बात होती है, और मैं किसी को कह भी नहीं पाई। मेरे नेबर्स को कहा था तो वो भी बेचारे पानी ऊपर से ही छत से ही डाल सकते थे, अब उनकी छत भी बहुत ऊपर है, ऊंची है, तो उन्होंने भी जिस तरह से कोशिश हो सकती है ऊपर से पाइप से जिस तरह से थोड़ा पानी डाल सकते थे वो डाल पाए, और उस वजह से ये कुछ सर्वाइव कर रहे हैं पौधे। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। और जहाँ तक मेरी जो मैं तुरंत मुझे जो फौरन नाम याद नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक कोविड का साइड इफ़ेक्ट है कि आपकी मेमोरी लॉस होने लग जाती है कुछ कुछ, तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है आफ्टर कोविड कि मुझे जल्दी से किसी के भी नाम याद नहीं आते, यहाँ तक कि अपनी मुझे कई बार अपने बच्चों के नाम भी याद तुरंत नहीं आते, जब मैं उनके नाम से बुलाती हूँ तो वो नहीं आ पाते मुझे नाम। और इसीलिए मैं कई प्लांट्स के नाम मुझे इमीडिएट नहीं आते, मुझे पता है ये किसका प्लांट है या ये कौन, सब कुछ ऐसे मेमोरी लॉस नहीं हुआ है, कुछ हद तक मेमोरी लॉस कुछ पॉइंट्स हो जाता है, ये भी एक कोविड का साइड इफ़ेक्ट है। जो अब जिन जिन को अगर कोविड हुआ है तो वो लोग भी इस चीज़ को सफ़र कर रहे होंगे, उन्हें भी ये पता होगा। और उसके बाद में मैं कुछ प्लांट्स ले आई हूँ, देखिए ये डायंथस, कुछ प्लांट्स मैं डायंथस के लेके आई, इसका नाम मुझे नहीं पता है लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा था और ये अब अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। ये यहाँ पे पिटूनिया है, अब ये इसका नाम मुझे पता है लेकिन मेरे मुंह पे नहीं आ रहा फ्रेंड्स, ये गजानिया और ये पिटूनिया के देखिए इसमें फूल भी आ रहा है। धीरे धीरे इनको मैं और अच्छे से करूँगी,
तो ये बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं नहीं ऐसा सोच रही कि आपको अच्छा लगेगा, बट अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो या मेरी आपको मेरी बात कुछ अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर अब तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर से प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड। और अगर कोई भी कमेंट हो, आप मुझे गाली भी देना चाहें अगर इन पौधों की इन हालत के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।